नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सरकार के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस आरोप पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को घेरेगी। सभी विधायकों की आम राय से यह मत व्यक्त किया गया कि शिवराज सरकार हर बार कोई ना कोई बहाना खड़ा करके विधानसभा की कार्यवाही समय से पहले समाप्त करने का षड्यंत्र करती है। नियमों का प्रक्रिया के तहत मैंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की ओर से सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को 13 दिसंबर को ही दे दी है। आज मैं पूरा आरोप पत्र माननीय अध्यक्ष जी को सरकार ने जो जो अवैधानिक कृत किए हैं, जनता के विरोधी कार्य किए हैं, मध्य प्रदेश के खजाने को बेरहमी से लूटा है, इन तमाम मुद्दों को, मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर माननीय अध्यक्ष जी को आज हम सत्र के पूर्व और अपने साथियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव का पूरा विवरण पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।